नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम उदयपुर संभाग में चित्तौड़ जिले के दर्शन कर रहे थे, चित्तौड़ का परिचय पढ़ चुके थे, चित्तौड़ का ऐतिहासिक महत्व पढ़ चुके थे। अब दोस्तों, आज के वीडियो में हम चित्तौड़ की हस्तकलाओं को, चित्तौड़ के लोक नाट्यों को चर्चा में लाएंगे। क्लियर? आज का हमारा विषय होगा चित्तौड़ जिले की हस्तकलाएं और चित्तौड़ जिले का लोक नाट्य। क्लियर? अच्छा दोस्तों, पहले बात करते हैं चित्तौड़ की हस्तकला की। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं चित्तौड़ जिले की हस्तकला की। ठीक दोस्तों, पहला जो हमारा बात होगी वो होगी चित्तौड़ जिले की हस्तकला। ठीक, अब दोस्तों बात आती है कि चित्तौड़ जिले में हस्तकला के केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़ जिले में हस्तकला का प्रमुख केंद्र है बस्सी। चित्तौड़ जिले में हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस्सी। और पूछा जाएगा कि जो बस्सी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे कि जो बस्सी है ना, ये काष्ठ कला का केंद्र है। पूछा जाए दोस्तों जो बस्सी है ना, ये क्या है? काष्ठ कला का केंद्र है। दोस्तों जो बस्सी है ये काष्ठ कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। चित्तौड़ हस्तकला के लिए जाना जाता है। चित्तौड़ में हस्तकला का प्रमुख केंद्र है बस्सी। बस्सी लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात लकड़ी की जो कारीगरी है इसका प्रमुख केंद्र है बस्सी। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि बस्सी में काष्ठ कला के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों, एक तो निर्माण किया जाता है लकड़ी के खिलौनों का। दोस्तों किसका निर्माण किया जाता है? लकड़ी के खिलौनों का। दोस्तों एक निर्माण किया जाता है कावड़ का। दोस्तों किसका निर्माण किया जाता है? कावड़ का। और दोस्तों एक तब निर्माण होता है दोस्तों आपके दोस्तों विमान का। किसका निर्माण होता है? विमान का। तो दोस्तों बस्सी में काष्ठ कला के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, लकड़ी की कावड़ बनाई जाती है और लकड़ी के विमान बनाए जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कावड़ और विमान किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कावड़ और विमान किसे कहते हैं। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों, बस्सी के बाद दोस्तों जो दोस्तों यहाँ प्रमुख दूसरा जो हस्तकला का दूसरा केंद्र है उसका नाम है पाहुना। यहाँ बस्सी के बाद अगर हस्तकला का दूसरा केंद्र तो कौन सा है? पाहुना। और दोस्तों पूछा जाए कि जो पाहुना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पाहुना है ना ये लोह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात दोस्तों यहाँ लोह उद्योग का केंद्र है, यहाँ लोहे के औजार बनाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? दो बात दोस्तों, तीसरी बात। ठीक, और दोस्तों जो अधिकतर लोहे के औजार हैं दोस्तों वो कृषि कार्यों से संबंधित होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, अब दोस्तों यहाँ जो हस्तकला का तीसरा केंद्र है उसका नाम है आकोला। क्या नाम है? आकोला। अगर हस्तकला का तीसरा केंद्र होगा तो होगा आकोला। और इन तीनों में बस्सी और आकोला हस्तकला के बहुत प्रसिद्ध केंद्र है दोस्तों। क्लियर? अब दोस्तों जो आकोला है ना ये जाना जाता है जाजम प्रिंट के लिए। दोस्तों जो आकोला है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट के लिए। एकदम क्लियर? समझना, बस्सी तो काष्ठ कला का है, पाहुना लोह उद्योग का है और आकोला जाजम प्रिंट का केंद्र है। किसका केंद्र है दोस्तों? जाजम प्रिंट का केंद्र है। क्लियर? अच्छा दोस्तों ये भी याद रखना, यहाँ जो जाजम प्रिंट है ना ये की जाती है छिपा जाति के द्वारा। दोस्तों यहाँ जो जाजम प्रिंट का काम है ये किया जाता है छिपा जाति के द्वारा। और दोस्तों चूंकि छिपा जाति के द्वारा यहाँ जाजम प्रिंट का काम किया जाता है, इसलिए दोस्तों जो आकोला है ना इसे कहा जाता है छिपों का आकोला। दोस्तों क्या कहा जाता है इसको? छिपों का आकोला। समझ गए मेरी बात? ठीक, चलो एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, फिर हम अगली बात पे चर्चा करेंगे। पहली बात, चित्तौड़ में हस्तकला के तीन केंद्र हैं बस्सी, पाहुना और आकोला। बस्सी काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र और काष्ठ कला के अंतर्गत यहाँ खिलौने, कावड़ और विमान बनाए जाते हैं। कावड़ और विमान कहते किसे हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर? पाहुना कृषि आधारित लोह उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आकोला जाजम प्रिंट का प्रमुख केंद्र है। क्लियर? और दोस्तों यहाँ जाजम प्रिंट छिपा जाति के द्वारा की जाती है और दोस्तों इसे कहा जाता है छिपों का आकोला। क्लियर? अच्छा दोस्तों, जब हम प्रिंट की बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रिंट की। एकदम क्लियर दोस्तों, जब हम प्रिंट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा
करना बनता भी हमारा क्लियर। हमारा उद्देश्य है हम किसी भी टॉपिक को जहां तक हो सके वहां तक पूरा क्लियर करें। क्लियर दोस्तों, इसलिए थोड़े वीडियो लंबे होंगे लेकिन आपके हित के होंगे। ठीक, अच्छा दोस्तों देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जाजम प्रिंट जो जाजम प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है तो आप क्या बताओगे? चित्तौड़ की। पूछ लिया जाए आपसे कि जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़ की। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाजम प्रिंट अगर चित्तौड़ की है तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो अजरक प्रिंट है ना ये बालोतरा बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा बाड़मेर की। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो अजरक प्रिंट है ना इसमें दो तरह के रंग होते हैं। अजरक प्रिंट में दो तरह के रंग होते हैं, एक तो लाल रंग होता है और एक नीला रंग होता है। अजरक प्रिंट में दो तरह के रंग होते हैं, लाल और नीला। और अगर पूछा जाए कि जो अजरक प्रिंट है इसका कार्य कौन सी जाति करती है, तो दोस्तों ध्यान रखना खत्री जाति के द्वारा, खत्री जाति के द्वारा ये अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। जिस प्रकार छिपा जाति के द्वारा जाजम प्रिंट का काम किया जाता है, उसी प्रकार खत्री जाति के द्वारा अजरक प्रिंट का काम किया जाता है। जाजम प्रिंट चित्तौड़ की, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, रंग कौन सा? लाल और नीला, और करती कौन है? खत्री जाति, बाड़मेर में बालोतरा इसका प्रमुख केंद्र है। दोस्तों ये बालोतरा वही है जहाँ के बाद लूनी खारी हो जाती है ना दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक, अगली बात दोस्तों, एक प्रिंट और है और उसका नाम है मलीर प्रिंट। दोस्तों एक प्रिंट और है और उसका नाम क्या है? मलीर प्रिंट। ठीक, फिर दोस्तों बात आती है कि जो मलीर प्रिंट है ये भी साहब आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। फिर पूछा जाएगा कि जो मलीर प्रिंट है दोस्तों इसमें साहब आपके किस रंग का उपयोग होता है? कत्थई रंग का। पूछा जाएगा कि जो मलीर प्रिंट है इसमें किस रंग का उपयोग होता है? कत्थई रंग का। और दोस्तों कोई जाति विशेष इसे नहीं करती है, ये सभी के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ठीक, जाजम प्रिंट चित्तौड़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलीर प्रिंट बाड़मेर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों इसके अलावा एक प्रिंट है सांगानेरी प्रिंट। क्लियर, कौन सी प्रिंट दोस्तों? सांगानेरी प्रिंट। ठीक, और दोस्तों सांगानेर कहाँ है? जयपुर में, सब जानते हैं। सांगानेरी प्रिंट की बात करते हैं तो दोस्तों साहब जो सांगानेरी प्रिंट है दोस्तों ये साहब आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। दोस्तों जो सांगानेर प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो सांगानेरी प्रिंट है ना दोस्तों ये विशेष रूप से जानी जाती है बेल बूटो की प्रिंट के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, जो सांगानेरी प्रिंट है साहब आपकी जानी जाती है विशेष रूप से बेल बूटो की प्रिंट के लिए, अर्थात सांगानेरी प्रिंट बेल बूटो की प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जाए कि सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत सर्वाधिक किस बेल की प्रिंट की जाती है, तो ध्यान रखना दाखा बेल। कौन सी बेल बताओगे आप? दाखा बेल, समझो ना। सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत सर्वाधिक दाखा बेल की प्रिंट की जाती है। दोस्तों किसकी प्रिंट की जाती है? दाखा बेल की प्रिंट की जाती है। तो जाजम प्रिंट कहाँ की है? चित्तौड़ की। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। मलीर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की। किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों के लिए। और किस बेल की सर्वाधिक प्रिंट होती है? दाखा बेल की। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों एक प्रिंट और था आपके, उसका नाम है बगरू प्रिंट। दोस्तों एक प्रिंट और है उसका नाम क्या है? बगरू प्रिंट। और पूछ लिया जाए कि बगरू प्रिंट साहब आपके कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। और बगरू प्रिंट में दोस्तों एक विशेष प्रकार का रंग होता है, काला रंग, इसकी प्रधानता होती है। क्लियर दोस्तों, काला रंग की प्रधानता होती है बगरू प्रिंट में। समझ जाओगे मेरी बात अच्छी तरह? ठीक, जाजम कहाँ से बताओगे? चित्तौड़ से। अजरक बाड़मेर से। मलीर बाड़मेर से। सांगानेरी जयपुर। बेल बूटे दाखा बेल। बगरू प्रिंट जयपुर, काले रंग की प्रधानता होती है। एकदम क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार साहब आपके एक प्रिंट होती है टुकड़ी प्रिंट। दोस्तों एक होती है टुकड़ी प्रिंट। ठीक, और पूछा जाए कि साहब आपके जो टुकड़ी प्रिंट है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जालौर की। साहब कहाँ की प्रसिद्ध है? जालौर की। ठीक दोस्तों, एक होती है तरबक प्रिंट। दोस्तों एक होती है तरबक प्रिंट।
ठीक, कौन से प्रिंट दोस्तों? तरबक प्रिंट। और पूछा जाए दोस्तों आपसे कि जो तरबक प्रिंट हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आप क्या बताओगे? जयपुर की और उदयपुर की। दोस्तों जो तरबक प्रिंट हैं ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध हैं, एकदम क्लियर। और दोस्तों साहब आपके इसके अलावा एक प्रिंट होती है और उसका नाम होता है मणि प्रिंट या मणिर प्रिंट। क्या बोलते हैं? या तो मणि प्रिंट या मणिर प्रिंट, एकदम क्लियर। या तो मणि प्रिंट बोलो या क्या बोलोगे आप? मणि प्रिंट, क्लियर। और दोस्तों पूछा जाएगा कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की, एकदम क्लियर। फिर समझ जाना, जाजम प्रिंट चित्तौड़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी प्रिंट जयपुर, बगरू प्रिंट जयपुर, टुकड़ी प्रिंट जालौर, तरबक प्रिंट जयपुर उदयपुर और मणिर प्रिंट सवाई माधोपुर। आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके हस्तकला में बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान की गई है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, प्रिंट कला का संबंध है दाबू से। ये दोस्तों जब हम प्रिंट होता है ना, जब दोस्तों कपड़े को प्रिंट किया जाता है ना, तो दोस्तों उस कपड़े में दाबू का भी उपयोग किया जाता है, क्लियर। जब कपड़े को प्रिंट किया जाता है तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? दाबू का भी उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। जब कपड़े को प्रिंट किया जाएगा तो किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों? दाबू का। किसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों? दाबू का। अच्छा फिर बात आती है कि दाबू कहते किसे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाबू कहते किसे हैं, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जब कपड़े को प्रिंट किया जाता है, जब कपड़े को प्रिंट किया जाता है, क्लियर, तो कपड़े का वह स्थान जिसे प्रिंट नहीं करना हो, भाई जब कपड़े को हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो कपड़े का वह स्थान या वह जगह जिसे प्रिंट नहीं करना हो, तो उस स्थान को प्रिंट से बचाने के लिए उस जगह पर दाबू उसको दबा दिया जाता है, या तो गेहूं से या मिट्टी से या मोम से, या तो गेहूं से मिट्टी से या मोम से दबा दिया जाता है ताकि वह प्रिंट नहीं हो। तो वह जगह जिसे गेहूं मिट्टी या मोम से दबाया गया है वही क्या कहलाती है दोस्तों? दाबू, क्लियर। तो इसका मतलब राजस्थान में तीन प्रकार की दाबू प्रिंट होती है, राजस्थान में तीन प्रकार की दाबू प्रिंट होती है, एकदम क्लियर। पहली बात तो कौन सी होगी? गेहूं की। पहली बात तो कौन सी होगी? गेहूं की। एक तो किसकी दाबू होगी? गेहूं की दाबू, क्लियर। अच्छा दोस्तों एक किसकी दाबू होगी? मोम की दाबू। किसकी दाबू? मोम की दाबू, समझ गए। और दोस्तों एक क्या होगी? मिट्टी की दाबू, क्लियर। एक तो गेहूं की दाबू, एक मोम की दाबू और एक मिट्टी की दाबू, क्लियर। फिर बात आती है कि गेहूं की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गेहूं की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मोम की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। मोम की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की, एकदम क्लियर। और मिट्टी की दाबू कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे विद्वान साथियों? बाड़मेर की, एकदम क्लियर। चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, ठीक दोस्तों। रिविजन बहुत ज़्यादा करेंगे हम, ठीक। हस्तकला, चित्तौड़ में हस्तकला के कितने केंद्र हैं? तीन। कौन कौन से? बस्सी, पहुना और आकोला। बस्सी कास्ट कला के लिए है, यहाँ खिलौने, कावड़ और विमान बनाए जाते हैं। कावड़ और विमान क्या होते हैं ये आप मुझे बताओगे। पाहुना लोहोद्योग का केंद्र है, कृषि आधारित लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। आकोला जाजम प्रिंट का केंद्र है, छिपा जाति के द्वारा किया जाता है, छिपों का आकोला भी कहा जाता है, क्लियर। अच्छा जाजम प्रिंट चित्तौड़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी प्रिंट जयपुर बता दोगे ना भाई, बगरू प्रिंट जयपुर, टुकड़ी तरबक और मजीर प्रिंट आप बता सकते हो अच्छी तरह दोस्तों। अगली बात, प्रिंट के साथ दाबू का उपयोग होता है। गेहूं की दाबू के लिए जयपुर, मोम की दाबू के लिए सवाई माधोपुर और मिट्टी की दाबू के लिए बाड़मेर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, आगे चले, ठीक। अब हम वापस हमारे चित्तौड़ में आते हैं वहीं, ठीक दोस्तों। जो चित्तौड़ है ना, ये पूछा जाएगा कि जो चित्तौड़ है इस चित्तौड़ का लोक नाट्य कौन सा है। पूछा जाए कि जो चित्तौड़ है इस चित्तौड़ का लोक नाट्य कौन सा है। पूछा जाए दोस्तों आपसे कि जो चित्तौड़ है इस चित्तौड़ का लोक नाट्य कौन सा है, ठीक। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो चित्तौड़ है ना, इस चित्तौड़ का दोस्तों जो लोक नाट्य है उसका नाम है तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी। पूछा जाएगा कि जो चित्तौड़ है यहाँ का साहब आपके प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? तुर्रा कलंगी। क्या बताओगे? तुर्रा कलंगी, क्लियर। फिर बात आती है, पूछा जाएगा कि तुर्रा कलंगी का अभिप्राय क्या होता है।
पूछा जाएगा कि तुर्रा कलंगी का अभिप्राय क्या होता है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि तुर्रा कलंगी में तुर्रा का तो अभिप्राय होता है शिव, तुर्रा का तो क्या अभिप्राय होता है शिव, और दोस्तों जो कलंगी है क्या है कलंगी, दोस्तों कलंगी का अभिप्राय क्या होता है पार्वती, क्या होता है पार्वती, समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह, क्लियर दोस्तों, समझना अच्छी तरह। चित्तौड़ का लोकनाट्य कौन सा है तुर्रा कलंगी, कौन सा दोस्तों तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी का अभिप्राय है, तुर्रा मतलब तो क्या बताओगे शिव दोस्तों, तुर्रा मतलब तो क्या बताओगे शिव, और कलंगी मतलब क्या बताओगे दोस्तों आप पार्वती, क्या बताओगे दोस्तों पार्वती, समझ जाओगे अच्छी तरह एकदम क्लियर दोस्तों यहां तक, तो तुर्रा मतलब तो शिव, क्लियर, तुर्रा मतलब तो शिव और कलंगी मतलब पार्वती, ठीक। फिर बात आती है कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, बात आती है कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इस तुर्रा कलंगी ख्याल का साहब आपके जनक कौन है, पूछा जाए कि तुर्रा कलंगी लोकनाट्य का जनक कौन है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि शाह आलम, एक तो कौन है शाह आलम, क्लियर, और दोस्तों एक है तुकनगीर, क्लियर, एक तो है शाह आलम और एक है तुकनगीर, एक तो कौन होंगे शाह आलम और एक है तुकनगीर, तो शाह आलम और तुकनगीर को दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल का जनक कहा जाता है। शाह आलम और तुकनगीर कौन है तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक हैं, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ये तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक हैं, लेकिन राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का जनक शाह आलम और तुकनगीर नहीं है, दोस्तों देखना ना, राजस्थान में शाह आलम और तुकनगीर तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक नहीं है। फिर बात आती है कि राजस्थान में, बात आती है कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक कौन है, पूछा जाए कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक कौन है, तो दोस्तों एक तो है साडू सिंह, दोस्तों एक तो कौन है साडू सिंह, क्लियर, और दोस्तों एक है हमीद बेग, कौन है हमीद बेग, तो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक कौन हुए साडू सिंह और हमीद बेग, और तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक कौन है शाह आलम और तुकनगीर, समझ जाओगे। और पूछा जाए कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पूछ लिया जाए कि तुर्रा कलंगी ख्याल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में, अर्थात जो तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है ये मूल रूप से कहाँ का है मध्य प्रदेश का, जनक कौन है दोस्तों इसके शाह आलम और तुकनगीर, एकदम क्लियर, राजस्थान में साडू सिंह और हमीद बेग, तुर्रा का मतलब शिव, कलंगी का मतलब पार्वती, क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, पूछा जाए आपसे कि वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो दोस्तों आपके बताओगे कि वर्तमान में जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जयदयाल, कौन है दोस्तों जयदयाल, क्लियर, एक का नाम है ताराचंद, क्या नाम है ताराचंद, एक तो जयदयाल एक ताराचंद, क्लियर, और दोस्तों एक का नाम है नानालाल, क्या नाम होगा दोस्तों नानालाल, तो दोस्तों जयदयाल ताराचंद नानालाल दोस्तों ये है तुर्रा कलंगी ख्याल के जनक, समझ गए सॉरी वर्तमान कलाकार, एक बार फिर समझ जाना। चित्तौड़ का लोकनाट्य कौन सा है तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी का मतलब क्या होता है तुर्रा मतलब तो शिव, कलंगी मतलब पार्वती, जनक कौन है शाह आलम और तुकनगीर, उत्पत्ति कहाँ हुई थी एमपी में, क्लियर। अच्छा राजस्थान में जनक कौन है साडू सिंह और हमीद बेग, वर्तमान में तुर्रा कलंगी ख्याल के कलाकार कौन है जयदयाल ताराचंद और नानालाल, क्लियर। अच्छा दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है, ध्यान रखना दोस्तों तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य है ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, पूछो क्यों, क्योंकि तुर्रा कलंगी के जो कलाकार हैं वह हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं, कौन होते हैं हिंदू और मुस्लिम, ठीक। अब देखो मैंने तुर्रा कलंगी को लेकर इतनी बातें बताई ना, तो एक बात आप बताओगे, अब आप ये बताना कमेंट बॉक्स में कि तुर्रा कलंगी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तुर्रा कलंगी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, एकदम क्लियर। चले आगे दोस्तों, हस्तकला हो गई दोस्तों और दोस्तों आपके यहाँ के ख्याल हो गया, ठीक। अगली बात, फिर बात आती है कि जो चित्तौड़ है दोस्तों, भी बात आती है कि चित्तौड़ जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, फिर बात ही आती है कि जो चित्तौड़ है इस चित्तौड़ जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं,
ठीक। बात आए कि चित्तौड़ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं। बस दोस्तों, मंदिर बहुत सारे हैं, मैं केवल जो प्रसिद्ध मंदिर हैं और जो अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं उन पे ही चर्चा करेंगे, क्लियर। तो दोस्तों, चित्तौड़ जिले का साहब आपके एक मंदिर है आवरी माता का मंदिर। दोस्तों, जो चित्तौड़ है यहाँ एक मंदिर है और मंदिर का नाम है आवरी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? आवरी माता का मंदिर। फिर बात आती है कि जो आवरी माता का मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे? निकुंभ में। कहाँ स्थित है? निकुंभ में, अर्थात निकुंभ चित्तौड़ में आवरी माता का मंदिर स्थित है। फिर बात आती है कि आवरी माता किसके लिए प्रसिद्ध है? शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाली देवी कौन सी है? आवरी माता। शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाली देवी कौन सी है? आवरी माता। अर्थात आवरी माता को हम लकवे की देवी के नाम से भी जानते हैं। आवरी माता को हम लकवे की देवी के नाम से भी जानते हैं। एकदम क्लियर। पहला मंदिर तो हो गया आवरी माता का मंदिर, निकुंभ चित्तौड़ में है, ये लकवे की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर अगले मंदिर की बात करें तो दोस्तों चित्तौड़ में साहब एक मंदिर है मेरा मंदिर। चित्तौड़ में साहब आपका एक मंदिर कौन सा है? मेरा मंदिर। एकदम क्लियर। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर है? मेरा मंदिर। फिर बात आती है कि जो मेरा मंदिर है इस मेरा मंदिर का निर्माता कौन है? बात आती है जो मेरा मंदिर है इस मेरा मंदिर का निर्माता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? राणा सांगा। कौन है? राणा सांगा। फिर बात आती है कि राणा सांगा मीरा मंदिर के निर्माता क्यों हुए? क्योंकि राणा सांगा के पुत्र का नाम क्या था भैया? याद है ना, जो राणा सांगा है इनके पुत्र का नाम क्या था? भोजराज। क्या नाम था भैया? भोजराज। क्लियर। और दोस्तों, जो भोजराज है इस भोजराज का विवाह किससे हुआ था? मीरा से। ठीक। और मीरा के नाम पर राणा सांगा के द्वारा क्या बनाया गया था? मीरा मंदिर। ठीक। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको नागौर जिला का जो वीडियो था उसमें बताया था कि राजस्थान में मीरा मंदिर तीन हैं, बताया था ना मैंने भैया। अच्छा, पहला मीरा मंदिर कहाँ था? मेड़ता में। जो पहला मीरा मंदिर था वो कहाँ था मेरे भैया? मेड़ता नागौर में। ठीक। अच्छा, दूसरा मीरा मंदिर कहाँ था? तो आप मैंने बताया था ना, चित्तौड़ में। कहाँ था दोस्तों? चित्तौड़ में। ठीक। और जो तीसरा मीरा मंदिर है दोस्तों वो कहाँ था? आमेर में। कहाँ था? आमेर में। ठीक। और दोस्तों, जो आमेर में मीरा मंदिर था, दोस्तों जो आमेर में मीरा मंदिर था उसे किस नाम से जाना जाता था? जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से। क्लियर दोस्तों, आमेर में जो मीरा मंदिर था उसे किस नाम से जाना जाता था? जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से। समझ जाओगे दोस्तों, आमेर वाला जो मीरा मंदिर है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक। बता रखा है मैंने क्यों प्रसिद्ध है, पक्का ना? अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि जगत शिरोमणि मंदिर को मेरा मंदिर क्यों कहते हैं। नागौर वाले वीडियो में मैंने ये बात बता रखी थी। अच्छा दोस्तों, देखना, जो जगत शिरोमणि मंदिर है, जो जगत शिरोमणि मंदिर है, पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप समझना, जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसका निर्माण राणा जगत सिंह की पत्नी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राणा जगत सिंह की पत्नी के द्वारा। सॉरी दोस्तों, जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका निर्माण कराया था जगत सिंह कछवा। दोस्तों, जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका दोस्तों जो निर्माण है वो कराया था आमेर के शासक मान सिंह ने। क्लियर। किसने कराया था? मान सिंह ने। और दोस्तों, आमेर के शासक मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। आमेर के शासक मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकावती, और कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ जाओगे अच्छी तरह भैया। ठीक। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि इसे मीरा मंदिर क्यों कहते हैं। ठीक। तो एक तो आवरी माता का मंदिर है, एक मीरा मंदिर है। ठीक। अच्छा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, चित्तौड़ में जो मीरा मंदिर है ना, इस मीरा मंदिर में वर्तमान में कृष्ण की प्रतिमा की नहीं, मीरा की तस्वीर की पूजा होती है। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ अब कृष्ण की प्रतिमा नहीं है। वो कृष्ण की प्रतिमा कहाँ है आप सब जानते हो। क्लियर। अगली बात दोस्तों,
चित्तौड़दुर्ग में साहब आपके एक मंदिर और है और उसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। चित्तौड़दुर्ग में दोस्तों एक मंदिर और है और पूछा जाएगा कि उस मंदिर का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर। दोस्तों ये भी कहाँ है? चित्तौड़दुर्ग में। क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण कराया था भोज परमार ने। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? भोज परमार ने। अच्छा फिर पूछा जाएगा कि जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? राणा मोकल ने। दोस्तों किसने कराया था? राणा मोकल ने। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसका पुनर्निर्माण था कौन कराएगा? राणा मोकल। कौन कराएगा दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण तो किसने कराया? भोज परमार ने। और पुनः निर्माण किसने कराया? राणा मोकल ने। क्लियर। अच्छा दोस्तों जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, इस मंदिर को दो नामों से जाना जाता है। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसे दो नामों से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। इस मंदिर का एक नाम तो है समहिदेश्वर देवालय। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इस मंदिर का एक नाम तो क्या है? समहिदेश्वर देवालय। ध्यानना दोस्तों, जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इस मंदिर का एक नाम तो क्या है? समहिदेश्वर देवालय। क्लियर। और दोस्तों इस मंदिर का एक नाम है मोकल जी का मंदिर। समझ जाओगे क्या भैया? मोकल जी का मंदिर। क्लियर दोस्तों। तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसके दो नाम आपको याद हो जाएंगे, एक तो क्या? समहिदेश्वर देवालय और एक मोकल जी का मंदिर। क्लियर। तो दोस्तों एक तो था आपके चित्तौड़दुर्ग में कौन सा, चित्तौड़ में कौन सा मंदिर हो गया? आवरी माता का मंदिर, एक मीरा मंदिर और एक कौन सा हो गया आपके? त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक। अच्छा दोस्तों इसके अलावा चित्तौड़ में एक मंदिर और है और दोस्तों उसका नाम है कालिका मंदिर। दोस्तों इसके अलावा चित्तौड़दुर्ग में एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम क्या है? कालिका मंदिर। दोस्तों कौन सा मंदिर होगा? कालिका मंदिर। दोस्तों साहब ये चित्तौड़दुर्ग का बहुत प्रसिद्ध, चित्तौड़ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? कालिका मंदिर। ठीक। फिर बात आती है कि जो कालिका मंदिर है दोस्तों, जो कालिका मंदिर है ये वास्तव में कालिका मंदिर नहीं है। क्लियर दोस्तों। जो कालिका मंदिर है ये कालिका मंदिर पूर्व में सूर्य मंदिर हुआ करता था। दोस्तों जो कालिका मंदिर है ये पूर्व में क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर। जो कालिका मंदिर है ना ये पूर्व में क्या हुआ करता था? सूर्य मंदिर हुआ करता था। एकदम क्लियर। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो ये सूर्य मंदिर था, फिर बात आती है कि जो सूर्य मंदिर था इस सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्लियर। फिर बात आती है कि जो सूर्य मंदिर था इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि एक परमार शासक था और उसका नाम था हूण परमार। दोस्तों एक परमार शासक था और उसका नाम था हूण परमार। क्या नाम था दोस्तों? हूण परमार। तो दोस्तों परमार शासक हूण के द्वारा, हम यूँ लिख देंगे परमार शासक, परमार शासक कौन? हूण। परमार शासक हूण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सूर्य मंदिर है ना ये विष्णु के कूर्म अवतार का, दोस्तों ये सूर्य मंदिर है ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर आधारित है। क्लियर दोस्तों। ध्यान रखना, ये जो सूर्य मंदिर है ना ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर आधारित हैं। क्लियर। फिर बात आती है कि अगर ये सूर्य मंदिर था तो ये सूर्य मंदिर साहब आपके अचानक कालिका मंदिर कैसे बन गया? अगर ये सूर्य मंदिर था तो दोस्तों ये सूर्य मंदिर अचानक कालिका मंदिर कैसे बन गया? तो दोस्तों जब मुस्लिम शासकों के द्वारा चित्तौड़ पर अटैक किया गया, आक्रमण किया गया, तो इस सूर्य मंदिर को तोड़ दिया गया और दोस्तों फिर इसका जो पुनः निर्माण कराया, इस सूर्य मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया दोस्तों, वो दोस्तों कराया था राणा सज्जन सिंह ने। ये जो सूर्य मंदिर है ना, इस सूर्य मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया वो कराया था राणा सज्जन सिंह ने। क्लियर। और राणा सज्जन सिंह ने क्या किया कि सूर्य मंदिर का पुनः निर्माण कराने के साथ साथ, इन्होंने क्या किया, सूर्य मंदिर का पुनः निर्माण कराने के साथ साथ यहाँ कालिका की प्रतिमा स्थापित कर दी।
किसकी प्रतिमा स्थापित कर दी, कालिका की प्रतिमा स्थापित कर दी। अब चूंकि यहां कालिका की प्रतिमा की स्थापित हो गई तो मंदिर का नाम क्या हो गया दोस्तों आपके, कालिका मंदिर। समझ गए, चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा मंदिर है, कालिका मंदिर। ये पूर्व में सूर्य मंदिर था और इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था परमार शासक हुण ने। यह सूर्य मंदिर विष्णु के कूर्म अवतार पर आधारित है, क्लियर। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया राणा सज्जन सिंह ने और राणा सज्जन सिंह के द्वारा इस सूर्य मंदिर में दोस्तों कालिका प्रतिमा की स्थापना कर दी गई, इसलिए नाम क्या होगा, कालिका मंदिर, क्लियर। अच्छा, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर इसे ही कहा जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर इसे ही कहा जाता है, क्लियर दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कालिका मंदिर है ना, इसी कालिका मंदिर के निकट संत रैदास की छत्री स्थित है। दोस्तों ये जो कालिका मंदिर है, इसी कालिका मंदिर के निकट संत रैदास की छत्री स्थित है, यह भी ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान का वह दुर्ग जहां संत रैदास की छत्री है, चित्तौड़ दुर्ग, और इस कालिका मंदिर के पास ही तब आपके संत रैदास की छत्री है। दोस्तों जो संत रैदास है ना, इन्हें कहा जाता है संतों का संत। दोस्तों जो संत रैदास हैं, इन्हें कहा जाता है संतों का संत, एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि संत रैदास को संतों का संत किसने कहा था, पूछा जाए कि संत रैदास को संतों का संत किसने कहा था, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दोगे, एकदम क्लियर। समझ गए ना, संत रैदास को संतों का संत किसने कहा था, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना, क्लियर दोस्तों। चलो आगे। अच्छा फिर दोस्तों बात आती है कि इसके अलावा चित्तौड़ में और कौन से मंदिर हैं, पूछा जाए कि इसके अलावा चित्तौड़ में और कौन से मंदिर हैं, तो दोस्तों जग प्रसिद्ध सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। समझ जाओगे ना, जग प्रसिद्ध सांवरिया सेठ का मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ दुर्ग में है, मंडफिया चित्तौड़ में है, ठीक। अच्छा दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना, चित्तौड़ में साहब आपके कुंभश्याम मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, कुंभश्याम मंदिर भी है। मेरा मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, सांवरिया सेठ का मंदिर, दोस्तों कालिका मंदिर, आवरी माता का मंदिर, त्रिभुवनारायण मंदिर, ये चित्तौड़ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक। अच्छा दोस्तों चित्तौड़ में एक प्रसिद्ध स्थान और है, दोस्तों चित्तौड़ में एक प्रसिद्ध स्थान और है और उसका नाम है मातृकुंडिया। दोस्तों चित्तौड़ में एक प्रसिद्ध स्थान और है और दोस्तों इसका नाम क्या है, मातृकुंडिया, ठीक। कौन सा नाम है दोस्तों, मातृकुंडिया, ठीक। दोस्तों ये जो मातृकुंडिया है ना, ये मातृकुंडिया चंद्रभागा नदी के निकट स्थित है। ये जो मातृकुंडिया है ये किस नदी के निकट स्थित है, चंद्रभागा नदी के निकट, क्लियर दोस्तों। दोस्तों ये जो मातृकुंडिया है ना, ये चंद्रभागा नदी के निकट स्थित है, एकदम क्लियर। अब दोस्तों ये जो मातृकुंडिया है, दोस्तों ये जो मातृकुंडिया है, ये मातृकुंडिया दो बातों के लिए प्रसिद्ध है, ये मातृकुंडिया दो बातों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस मातृकुंडिया को कहा जाता है आदिवासियों का हरिद्वार, इसे कहा जाता है आदिवासियों का हरिद्वार। दोस्तों ये जो मातृकुंडिया है इसे कहा जाता है आदिवासियों का हरिद्वार, और अगर आप इसे आदिवासियों का हरिद्वार नहीं कहें तो इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे मेवाड़ का हरिद्वार, समझ गए। तो मातृकुंडिया के दो नाम हो गए दोस्तों, जो मातृकुंडिया है या तो इसे आप कहोगे आदिवासियों का हरिद्वार, या फिर जो मातृकुंडिया है दोस्तों इसे कहोगे आप, क्या कहोगे दोस्तों, मेवाड़ का हरिद्वार, समझ गए। अच्छा दोस्तों इसे हरिद्वार क्यों कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखना, इस मातृकुंडिया में, दोस्तों इस मातृकुंडिया में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को, दोस्तों इस मातृकुंडिया में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। इस मातृकुंडिया में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, एकदम क्लियर। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों इसका नाम है मेवाड़ का हरिद्वार, क्लियर। मातृकुंडिया किस नदी के निकट है, चंद्रभागा नदी के निकट, ठीक। और दोस्तों यहां बढ़ता इसे कहा जाता है आदिवासियों का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार, क्योंकि यहां प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा इसके अलावा दोस्तों जो मातृकुंडिया है ना वो प्रसिद्ध क्यों है, ध्यान रखना। दोस्तों इसी मातृकुंडिया में मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन आरंभ किया गया था, एकदम क्लियर। दोस्तों जो मातृकुंडिया है ये एकी आंदोलन का केंद्र भी रहा था,
क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना जो मातृकुंडिया है ये किसका केंद्र रहा था, एक ही आंदोलन का। फिर बात आती है कि जो एक ही आंदोलन है, बात आती है कि जो एक ही आंदोलन है उसके जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, मोतीलाल तेजावत। जो एक ही आंदोलन है इसके जनक कौन है, मोतीलाल तेजावत। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो मोतीलाल तेजावत है इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का बाऊजी। जो मोतीलाल तेजावत है इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का बाऊजी। क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिवासियों का बाऊजी। किसे कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। ठीक, अगली बात। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो मोतीलाल तेजावत हैं, बात आती है कि जो मोतीलाल तेजावत हैं, ये जो मोतीलाल तेजावत हैं, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा जाए कि जो मोतीलाल तेजावत हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ी दिन बाद। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि जो मोतीलाल तेजावत हैं इनका जन्म हुआ था कोलियारी गांव में। कहाँ हुआ था दोस्तों, कोलियारी गांव में। और पूछा जाए कि कोलियारी गांव कहाँ आता है, उदयपुर में। कहाँ आता है, उदयपुर में। और दोस्तों पूछा जाए कि मोतीलाल तेजावत किस परिवार से थे, तो आप क्या बताओगे कि जो मोतीलाल तेजावत है ना, ये ओसवाल जैन परिवार से थे। किससे थे, ओसवाल जैन परिवार से। तो एक ही आंदोलन का केंद्र क्या हो गया, मातृकुंडिया। एक ही आंदोलन का जनक कौन हो गए, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत क्या है, आदिवासियों के बाऊजी। और मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, कोलियारी गाँव उदयपुर में, ओसवाल जैन परिवार से इनका संबंध था। ठीक, अच्छा अगली बार दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मोतीलाल तेजावत है ना, इन मोतीलाल तेजावत ने राणा फतेह सिंह से, दोस्तों जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने राणा फतेह सिंह से, दोस्तों जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने मेवाड़ के शासक राणा फतेह सिंह से कुल 21 मांगे की थी आदिवासियों के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, जो मोतीलाल तेजावत है इन्होंने राणा फतेह सिंह से आदिवासियों के लिए 21 मांगे की थी। क्लियर, और दोस्तों उन 21 मांगों को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। ये जो 21 मांगे हैं इन्हें क्या नाम दिया गया था, मेवाड़ पुकार। तो मेवाड़ पुकार जो पत्रिका है उसका जनक भी कौन है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का बाऊजी मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ पुकार पत्रिका के साथ जनक भी कौन है, मोतीलाल तेजावत। और मेवाड़ पुकार पत्रिका ये जो 21 मांगे किससे की गई थी, राणा फतेह सिंह से। दोस्तों ये वही राणा फतेह सिंह है जिन्होंने, दोस्तों ये वही राणा फतेह सिंह है जिन्हें केश सिंह बारहट के द्वारा चेतावनी रा चौंकटिया लिखे गए थे। ये वही राणा फतेह सिंह हैं जिनके शासनकाल में बिजोलिया किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। ये वही राणा फतेह सिंह हैं जिनके शासनकाल में बेगू किसान आंदोलन आरंभ हुआ था। और ये वही राणा फतेह सिंह हैं जो दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए गए थे। तो दोस्तों एकदम क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक, तो बोलो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है दोस्तों, चले आगे। अच्छा अगली बार दोस्तों ध्यान रखना, अब फिर दोस्तों हम अगली बात करते हैं। अब मैंने कहा कि जो राणा फतेह सिंह है इनके शासनकाल में बेगू किसान आंदोलन हुआ था, तो इसका मतलब जो बेगू किसान आंदोलन है दोस्तों, इसका मतलब जो बेगू किसान आंदोलन है इसका संबंध भी किससे है, जो बेगू किसान आंदोलन है दोस्तों इसका संबंध भी किससे है, चित्तौड़ से। किससे हैं दोस्तों, चित्तौड़ से। अर्थात दोस्तों चित्तौड़ में साहब आपके क्या हुआ था, बेगू किसान आंदोलन। ठीक दोस्तों, ये मेवाड़ का दूसरा आंदोलन था। मेवाड़ का पहला आंदोलन दोस्तों आपके कौन सा था दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। और मेवाड़ रियासत का दूसरा आंदोलन बेगू किसान आंदोलन। फिर पूछ लिया जाए कि जो बेगू किसान आंदोलन है इसका जनक कौन था, पूछा जाए कि जो बेगू किसान आंदोलन है इसका जनक कौन था, तो आप क्या बताओगे, राम नारायण चौधरी। कौन थे दोस्तों, राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के जनक थे। समझ जाओगे दोस्तों, राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन के जनक थे। अच्छा पूछा जाएगा कि जब बेगू किसान आंदोलन हुआ उस समय बेगू का जागीरदार कौन था, तो आप क्या बताओगे, ठाकुर अनूप सिंह। दोस्तों जब बेगू किसान आंदोलन हुआ उस समय बेगू का जागीरदार कौन था, तो आप क्या बताओगे, ठाकुर अनूप सिंह। क्या बताओगे भैया, ठाकुर अनूप सिंह। ठीक, अब दोस्तों ध्यान रखना, ठाकुर अनूप सिंह ने राम नारायण चौधरी के साथ समझौता किया था।
ठीक। ठाकुर अनूप सिंह ने रामनारायण चौधरी के साथ समझौता किया था, और अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में जो समझौता हुआ, इस समझौते को दोस्तों कहा जाता है पारसोली समझौता। ध्यान दोस्तों, इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसे क्या कहा जाता है, पारसोली समझौता। क्लियर। और दोस्तों अंग्रेज इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने इस पारसोली समझौते को कहा था बोल्शेविक समझौता। उन्होंने इसे क्या नाम दिया था, बोल्शेविक समझौता। समझ जाओगे अच्छी तरह, एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाना। बेगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, चित्तौड़ में, रियासत मेवाड़े। क्लियर। जनक रामनारायण चौधरी, जागीरदार अनूप सिंह। अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में क्या हुआ था, समझौता, जिसे क्या नाम दिया गया, पारसोली समझौता। दोस्तों पारसोली पत्थर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है चित्तौड़ में। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, पारसोली पत्थर उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, ठीक। और इस पारसोली समझौते को अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था बोल्शेविक समझौता। क्लियर। अच्छा दोस्तों ये ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय नेता था जिसे अंग्रेजों ने बोल्शेविक की संज्ञा दी थी, ठीक। भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय नेता था जिसे अंग्रेजों ने बोल्शेविक की संज्ञा दी थी, और किस अंग्रेज ने दी थी, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो बेगू किसान आंदोलन है, इस बेगू किसान आंदोलन में दोस्तों एक तो रूपाजी धाकड़, क्लियर दोस्तों, जो बेगू किसान आंदोलन है इसमें एक तो रूपाजी धाकड़ और एक करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। दोस्तों ना, जो बेगू किसान आंदोलन है इसमें दोस्तों एक तो कौन शहीद हुआ था, रूपाजी धाकड़, और एक कौन शहीद हुए थे दोस्तों, करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन में एक महिला ने भाग लिया था और उस महिला का नाम था रमाबाई। बेगू किसान आंदोलन में एक महिला ने भाग लिया था और महिला का नाम क्या था दोस्तों, रमाबाई। क्लियर दोस्तों, ये जो रमाबाई वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया है अभी सेकंड ग्रेड 2018-19 में, सेकंड ग्रेड 2018-19 में रमाबाई वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये था चित्तौड़ जिला, चित्तौड़ जिले का परिचय, चित्तौड़ जिले का ऐतिहासिक महत्व, सामरिक महत्व, भौगोलिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चित्तौड़ जिला आपको पसंद आया होगा, यहाँ की विशेषताओं को हमने जो आपको पढ़ाया या प्रकट किया वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप दोस्तों हमारे प्रयासों को गति दीजिए, कमेंट के द्वारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। काव्य क्लासेज हमेशा आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।